गुड इवनिंग मैम, मैं अपना सबकॉन्शियस हीलिंग जो मैंने आज करवाया है उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ऑनेस्टली मैं बहुत स्केप्टिकल थी कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा एंड ऑल दैट, बट जब स्टार्ट हुआ ना एंड आपने स्टार्टिंग में एक रीअश्योरेंस दी, जब हम स्टार्ट करके ऑलमोस्ट लाइक स्टार्ट हुआ एंड यू सेड अंशु डरो मत, आई एम विथ यू, एंड वो भरोसे पे जब मैं निकली हूँ ना वहाँ से, अपने सबकॉन्शियस में जब मैं और अंदर घुसी हूँ और जो जो मैंने महसूस किया, मतलब मुझे लगता था मैंने वो सब हील कर ली, बिकॉज आपको मैंने बताया मैं बहुत कुछ करती हूँ, बट आज मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं कोने में वो चीज़ है। एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज सबकॉन्शियस हीलिंग इफ़ यू आर इन ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई ना कोई बाधा लाती ही रहेंगी, क्योंकि वो हील नहीं हुआ है ना। तो इस सेशन, ये तो मेरा फर्स्ट ही सेशन था एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर, बट मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एग्जैक्टली मैंने जो जो दबा दिया था ना, वो सब बाहर आए। एंड मैं सच बोल रही हूँ, आपने जो बोला था कि बहुत हल्का लगेगा, ऐसा लगेगा किसी ने कुछ निकाल के फेंक दिया अंदर से, वैसा ही फील हो रहा है। एंड देन DM से बातें एंड एग्जैक्टली वो रेजोनेशन, मतलब बहुत मैं बता नहीं सकती। DM नाम नहीं दूंगी उनको, बट हाँ, जो मैं चाहती थी वो आपने इतनी आसानी से करवा दिया एंड इट वाज एक्सट्रीमली एक्सिलरेटिंग फॉर मी दिस एक्सपीरियंस, और अंदर से सब निकल गया है ऐसा लगता है। बट आई नो देर आर मोर इश्यूज़, अभी और भी है। जैसे ये मुझे इस इशू को मैं समझ रही थी कि शायद मैंने ख़त्म कर दिया, बट वो रहता है। सो ये तो बहुत ज़रूरी है, लाइक सबकॉन्शियस हीलिंग का पावर, आई थिंक जो उसके इसको अंडरगो करते हैं वो ही समझ पाते हैं कि एक्चुअली आप जो अपने आप को हील समझ रहे हो, टिल यू गो इन टू योर सबकॉन्शियस एंड यू इरेज दोज मेमोरीज, कुछ नहीं है। सो मैम, आई रियली थैंक यू सो मच, और जैसे मैंने बोला कि यूनिवर्स ब्लेस्ड मी कि मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं आपको रीच आउट करूँ, आपके वीडियोस मेरे सामने आए, तो ये सब मैं ब्लेसिंग, आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स सो मच, थैंक यू मैम। मेरे एक अंदर के उस पार्ट को बाहर निकालने के लिए जो मुझे लगता था मैंने ठीक कर लिया है, बट इट वॉज सफरिंग देयर। एंड जैसे मैंने उसे प्यार किया, मतलब इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड द लाइटनेस आई एम फीलिंग आफ्टर दैट। आई नो अब सब अच्छा होगा, आई नो this was needed, and if anybody who is contemplating on you know whether to take these sessions or not, I will strictly recommend it. मतलब ये है कि urgently ले लो, ऐसा है, you don't know how much is inside, और जब वो निकल जाएगा ना तब आपको feel होगा कि oh my god इतनी ज़्यादा negativity you were carrying all around. तो इस चीज़ को समझो कि this is required not only for you but for the spiritual growth, the spiritual path you are in, uske liye ye bhagwan ji aapko karwayenge, and ma'am se best guide mujhe nahi lagta aur koi ho sakta, because the softness jo hai na inke voice mein, wo apnapan, main abhi bhi wo statement mere dimag mein chalta hai, daro mat main hu tumhare sath, tum chalo aage chalo, वो भरोसा, वो सिर्फ एक बहुत एक्सपीरियंस गाइड ही दे सकता है, जो कि मैम है, और ऑफ कोर्स उसमें तो कोई शक ही नहीं है। सो आई रियली थैंक यू मैम।
बहुत ही अच्छा सेशन था एंड आई एम वेरी रिलीव्ड, रिलैक्स्ड, लाइट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मेनी मोर सच सेशंस. थैंक यू सो मच. बाय मैम. बाय.